जनता ने मुझे मौका दे दिया है, उसके लिए मैं सर्वप्रथम जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, मैं डॉक्टर हूँ प्रोफेशन से, और मैं यहाँ पे हेल्थ सेक्टर में सबसे ज़्यादा विकास करने के लिए आई हूँ, जो कि मेरी प्रथम प्रायोरिटी है। मैं हेल्थ सेक्टर पे मैक्सिमम काम करने वाली हूँ, जितने हम कैंपेन्स लगा सकते हैं यहाँ पे मैं वो कोशिश करूँगी, चाहे वो आई विभाग से रिलेटेड हो, महिलाओं के लिए हो, हमारे बच्चों के लिए हो, प्रॉपर स्क्रीनिंग करेंगे, वृद्धों के लिए हो, वो सारी चीज़ें हम फॉलो करने वाले हैं। और काफ़ी हम विकास के जितने भी माध्यम रहेंगे उसके थ्रू हम मछली शहर में काम करेंगे। सिटिंग एमएलए का टिकट काट करके आपको मौका दिया गया था, शीर्ष नेतृत्व दिया था, आसान लगा था कि आपको जीत जाएंगे? हमारी समाजवादी पार्टी से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे यहाँ मछली शहर की जनता के बीच में भेजा। मैं उसके लिए उन्हें बारंबार प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। और जैसा कि हमारी पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम सब सिपाही हैं, वो जो फैसला करते हैं और जिसे लड़ने के लिए भेजते हैं वो मैदान में उतरता है, और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सब इतने सहयोग से और हमारी जनता ने इतने प्यार से इस चुनाव को लड़ा है कि जिसका रिजल्ट आपके सामने है। क्या टर्निंग पॉइंट रहा है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन के दौरान? टर्निंग पॉइंट मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुझे लगता है कि वो समाजवादी परिवार है मेरा मछली शहर, और वो अभी भी है और हमेशा रहेगा, एंड मैं उसमें कुछ टर्निंग पॉइंट नहीं भूलना चाहती। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।